नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, अभी झारखंड में एक बड़ा रेल हादसा हुआ है। इस रेल दुर्घटना में दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती है, जिसके बाद पटरी से ट्रेन के कई डिब्बे भी पटरी हो जाती है। उसके बाद जो हुआ वो चौंकाने वाली खबर है। आखिर भारतीय रेल में बार बार इस तरह की रेल दुर्घटना क्यों देखने को मिलती है? क्या है पूरी घटना, जानेंगे इस वीडियो के अंदर। इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, मेरा आपसे आग्रह है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस बड़ी रेल दुर्घटना की बात करूं तो ये दुर्घटना झारखंड के जमशेदपुर के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से हावड़ा जाने वाली रूट पर हुआ है। जी हाँ, सालकापुजी बेस्ट केबिन के पास ट्रेन बेपटरी होकर जमीन पर दौड़ने लगती है, जिसके कारण उल्टी दिशा में आ रही दूसरी मालगाड़ी से ये ट्रेन टकरा जाती है। हालांकि ट्रेन के लोको पायलट की सूझबूझ से समय रहते गाड़ी पर नियंत्रण पा लिया जाता है, नहीं तो एक बड़ी रेल दुर्घटना हो सकती थी। जिसके बाद रेल प्रशासन को सूचना मिलते ही रेलवे के अधिकारी रेस्क्यू टीम लेकर मौके पर पहुंच जाते हैं और मामले की छानबीन करने लगते हैं। इस बड़ी दुर्घटना के बाद टाटा हावड़ा मुंबई मार्ग को पूरी तरह से बंद करना पड़ता है। जिले के टाटा नगर रेलवे स्टेशन से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पर बेस्ट केबिन के पास शनिवार सुबह मालगाड़ी बेपटरी हो जाती है, जिसके बाद टाटा हावड़ा मुंबई मार्ग को रोक दिया जाता है। सभी ट्रेनों का परिचालन आवागमन ठप हो जाता है। इस दुर्घटना में रेलवे को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही थी कि झारखंड के जमशेदपुर में एक बड़ा ट्रेन हादसा हो जाता है। अच्छी बात ये रही कि किसी की भी जान नहीं जाती है। तो इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। जय हिंद, जय भारत।